जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाइएगा। कई बार हमसे पूछा जाता है कि पंडित जी, क्या हम कुछ गलत सोचते हैं या हमारे सोचने की तरीका गलत है। कई सारे सोच विचार के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी राशि मीन है, और अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं और पीड़ित हैं, तकलीफें हैं, जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो आप गीता का अध्ययन शुरू कर दें, गीता का पाठ करें। और गीता का अध्ययन करने के साथ साथ ही हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े। चाहे आप महिला हो पुरुष, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि नहीं पढ़ती महिला है, सब कुछ होता है, सब बराबर है ईश्वर के लिए। तो आप बात करना चाहता हूँ मैं अपने हर एक वीडियो में आपको एक बात शेयर करता हूँ, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। आप जितना अच्छा सोचेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उसी कड़ी के सिलसिले में यदि आप बड़ा सोचते हैं, असंभव सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। और सोचने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। आपकी उम्र 50 साल है, 35 है, 40 है, 32 है, कोई सी भी उम्र हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो नई शुरुआत जरूर करें, पहल करें। हर बार आपके साथ जैसा हुआ इस बार ऐसा नहीं होगा, ये भी आपसे मैं वादा करता हूँ। आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, और जो गलतियां हमने पीछे की है उन गलतियों से सीख लेकर ही करें। बात खुली होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सी महिलाएं मुझे फ़ोन लगाती हैं, माताएं बहनें, वो पूछती हैं हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, ये तीसरी बार दूसरी शादी तीसरी शादी करना चाहते हैं, दो बार हमारे साथ इस तरह का जो घटना हुआ, अब तो डर लगता है शादी करने से, शादी के नाम से ही डर लगता है। मैं उन्हें एक ही बार जवाब देना चाहता था और जवाब देता हूँ कि आप दो की गई गलतियों से यह ना सोचें कि तीसरी बार भी यही होगा। आप उन की गई गलतियों को एक बार सोचें कि हम कहाँ गलत थे, हमने कहाँ पर चूक हुई हमसे, जो चीज़ें हमने नहीं देखी, हम अंधे होकर उस चीज़ को ऊपर पूरा यकीन कर दिया। बिल्कुल नीड एंड क्लियर सामने बात होनी चाहिए, स्पष्ट, तो आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत सी छोटी छोटी बातें मुझसे अच्छे तरीके से आप स्वयं जानते हैं। तो आप बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, तो आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यह चीज़ आप बहुत सामान्य बात है, लेकिन यह चीज़ आप नहीं करते हैं। जिस भी चीज़ में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अच्छा सोचेंगे सब कुछ अच्छा होगा, बड़ा सोचेंगे सब कुछ बड़ा होगा। आप जिस भी उम्र के पड़ाव पर हैं, वहाँ से अपनी योग्यताओं को, अपने स्वभाव को, अपनी रुचि के हिसाब से जो भी काम आप ज़िंदगी में छोड़ चुके हैं, उसे आप अभी से इसी वक्त से उसके लिए टारगेट बनाएं, उसके लिए थोड़ा वक्त दें और उसे अचीव करेंगे, और उसमें भी आप एक अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। तो बस दोस्तों, यही आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छा सोचें, बड़ा सोचेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखें, जय श्री महाकाल लिखें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और निवेदन है दोस्तों कि हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट रहें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।